तो आज है 3 जून और होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। एंड मैं 12 मई के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। उसे 4 दिन पहले से मैंने बनाना बंद कर दी थी। शायद 9 मई को मेरी लास्ट वीडियो है, शायद, मुझे श्योर नहीं हूँ। बिकॉज़ मेरे को एक अपडेट देनी है कि एल्विन अब नहीं रहा। वो 7 साल रह के गया हमारे पास, पूरी फैमिली के पास, और अच्छा टाइम निकाला उसने। और आखिर के 2 साल उसको काफ़ी कैंसर से फेस करना पड़ा था। शुगर भी थी उसे, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। मेरा मूड बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का इतने टाइम से, और ये वीडियो मैंने बहुत बार बनाई, फिर डिलीट करी, और पर पता नहीं क्यों अपलोड करने का और इसे प्रॉपर और अच्छी तरह एडिट करने का, बाकी जो एक मेमोरीज थी एल्विन के साथ, जो भी मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस पड़ी थी, वो भी मैंने सोचा कि वीडियो में डालता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था, मूड भी बहुत ऑफ था मेरा, और पूरा महीना मैंने उसके ऐसे कुछ भी नहीं किया और कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। हालांकि जब भी सोचता था कि कोई वीडियो डालूँगा, बस लैपटॉप उठाने का और सॉफ्टवेयर में एडिट करने का दिल नहीं करता था। तो 12 मई से पहले, पता नहीं क्या हुआ उसे, 4 दिन पहले से, डेथ से 4 दिन पहले, मतलब अराउंड 8-9 तारीख तक, तो एकदम उसने ना अचानक ही खाना बंद कर दिया। उसकी प्रॉपर इंसुलिन भी लग रहा था, उसको एक्टिव भी था, बट पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने बिल्कुल ही एकदम ही छोड़ दिया खाना खाने, इवन पानी पीना भी। और हालांकि शुगर जिसको डायबिटिक, उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है, बहुत सिप मतलब टंग से टच कर रहा था पानी के साथ। एंड तो मैं उसको इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता था, बिकॉज अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना तो फीड तो खाना ही पड़ता है। तो वो उसने फीड खाना बंद कर दिया था, और ऐसे बॉडी और इफेक्ट होती है कि अगर आप जब इंसुलिन अगर खाली पेट अगर ऐसे ही लगा दो, अगर जब तक फीड ना खाए डॉग, एज पर डॉक्टर ने तो मुझे यही बताया था, और यही था वैसे। तो धीरे धीरे करके जो उससे डेथ से, जिस दिन उसकी डेथ हो गई, उस दिन उसकी डेथ सुबह 1 बजे हुई थी, एकादशी थी उस दिन 12 मई को, और मेरा बर्थडे भी था 12 मई को। एंड बहुत हैवी सांस ले रहा था, और जब वो खड़ा हो रहा था तो ऐसे आगे पीछे ऐसे हिल रहा था, मतलब उसकी टांगे जो थी वो मतलब बहुत थक चुका था ऐसा लग रहा था, और ऐसा उसकी सांसें इस तरह से ले रहा था जैसे कि काफ़ी रनिंग करके आया। ऑल्दो चल तो सकता नहीं था, बिकॉज उसके राइट लेग में ट्यूमर था। एंड एंड टाइम पे बस वो कभी इधर बैठ रहा, कभी उधर बैठ रहा, चाहे एसी भी अगर उसको ऑन करके लगाया हुआ था, ऑल्दो वो एसी में रहता था, पर तब भी उसको ऐसे इनहेल एक्सहेल कर रहा जैसे कि बहुत रनिंग करके आया, बहुत मतलब चल के आया। पर एंड टाइम पे फिर रात को 12:30-1 बजे तक वो एंड टाइम पे मम्मा के बेडरूम में गया, वहीं पे मम्मा के सिर के, जहाँ मम्मी सोते उनके साइड पे सोया था, और बस बहुत ज़्यादा इनहेल एक्सहेल कर रहा था। हमने सबने लाइटें बंद कर दी थी, पर मम्मा जाग रहे थे, तो मतलब उनके भी रूम की लाइट ऑफ थी, बट ये था कि उनकी एकदम साइड पे था तो उनको आवाज़ आ रही थी। बट मम्मी एकदम अचानक उठे, तो मम्मी कहते एल्विन चल गया, मतलब पूरा हो गया एल्विन। और जैसी लाइट ऑन करी, उसकी वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, जो एक्सहेल इनहेल कर रहा था, ऐसा लगता बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसकी बॉडी पूरी सॉफ्ट थी, तभी फर सॉफ्ट, तब टंग पूरी वाइट हो चुकी थी, और मैंने हाथ लगाया वो नहीं था, पूरा हो चुका था। मेरे पास कुछ उसकी मेमोरीज हैं, मैं कोशिश करूँगा वही इस वीडियो से आगे जो वही डालता रहूँ, इसी वीडियो में एडिट करूँगा, डालूँगा। एंड काफ़ी अच्छा था, बहुत मतलब लोग उसे रॉटवीलर कहते ही नहीं थे, क्योंकि उसका बहुत टेम्परामेंट बहुत उसका अच्छा था, कभी गुस्सा नहीं करता था, मतलब एग्रेशन सिर्फ वो ऐसे शो ऑफ के लिए करता, सिर्फ मेरे साथ ही, मेरे को ही डराता था वो, बाहर किसी को कुछ नहीं कहता था। आप वीडियोस में भी देख लें, बाकी भी अगर स्ट्रीट डॉग उसको भौंक रहे हो आराम से चलेगा। मिलता भी था, मिलनसार था, काफ़ी प्लेफुल था, मेरे साथ बहुत बनती थी उसकी। अब चलो जहाँ पे भी है वो अच्छा, होप सो कि वो अच्छी जगह चला गया है, और अच्छा उसे जीवन मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। और आगे कुछ इस वीडियो के आगे कुछ मेमोरीज़ है मेरी उसके साथ। होप्स वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा देख के। तो बस मुझे यही अपडेट देनी थी कि एल्विन नहीं रहा। उसको मैं ही दफनाने गया था पापा के साथ, और मेरे घर के सामने बैक साइड पे बहुत बड़ा पार्क है, तो काफ़ी आगे जाके मैं उसे दफना के आया हूँ। एक तरह से मुझे ये था कि बहुत पेन में था वो, बट ऐसे चला जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि मतलब अभी प्रॉब्लम थोड़ी और इंक्रीज़ होएगी धीरे धीरे, जैसे मैं वीडियोस में डालता था, क्योंकि मेरे को लगता था उसको ब्लड वॉमिट शुरू होएगा, किडनी फेल होएगी ऐसे से। बट वो बहुत अच्छी कहते डेथ गया, बिल्कुल सोए सोए ही चला गया, पता भी नहीं चला। तो मेरा वीडियो यही था पूरा। मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं अपडेट रहने दूंगा, नहीं वीडियोस ही डालूंगा, कोई इस वीडियो को छोड़ के कोई और वीडियो डाल दूंगा। बट मेरे को था कि नहीं, मैं ये मेमोरी सारी रखना चाहता हूँ उसकी। तो फ़ोन का पता नहीं कब न्यू फ़ोन आ जाए, ये फ़ोन पे वीडियो डिलीट हो जाए, तो मैं एक तरह से यूट्यूब पर वो सारी डालना चाहता था। तो ये सारा था एल्विन के बारे में। होप सो अब मैंने कभी डॉग रखूँगा नहीं। हालाँकि मेरे घर के पास स्ट्रीट डॉग है, शाम को खाना खाने आते हैं वो, सुबह भी आते हैं। बट एक जो एल्विन की मेमोरीज थी वो तो हमेशा ही अपने साथ ही रखूँगा कि बहुत अच्छा डॉग था। जैसे रॉटविलर बदनाम करें लोगों ने, वो बिल्कुल वैसा नहीं था, उनसे फार फार बेटर है। मतलब इन दी एंड कह लो कि लोग बुरे होते हैं, एनिमल्स नहीं। लोगों की वजह से ही उनके डॉग ख़राब होते हैं, जिस तरह से वो पेट करते हैं वो करते हैं। चलो वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये सब था। अब इसके आगे एल्विन के और मेरे कुछ मूवमेंट्स हैं, और उसके जो कुछ मूवमेंट जो मैंने रिकॉर्ड रखे करके रखे हुए थे। बाय बोल दो, बाय बोल दो। वेरी गुड।